प्रभात खबर संवाद की अगली कड़ी में जयराम महतो जी आज हम लोगों के बीच हैं। जयराम महतो को आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, सब देखा होगा। हाल के दिनों में जो युवाओं के बीच और झारखंडी मुद्दों को लेकर लड़ने वाला एक साथी आगे बढ़ा है, मैंने देखा है इनको जयराम की सभाओं में 50-50 हज़ार लोग, 1-1 लाख लोग जमा होते हैं। इनकी रैली आज अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, इन्होंने मानव श्रृंखला बनाई थी महुदा से लेकर चास तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर, और बहुत ही शानदार आयोजन था वो। तो आज जयराम हम लोग के बीच में है और अनुज भाई से आग्रह करेंगे कि जयराम का बूके देकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सीधा सवाल, जयराम महतो कौन है? छात्र नेता, एक्टिविस्ट या भाजपा नेता? देखिए, अभी तक तो एक छात्र नेता ही हैं, क्योंकि हम भी एक पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं और मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चली रही है, और एक महीने में मेरा सेकंड एनुअल रिपोर्ट है, उसका सबमिशन भी करना है। तो आप अभी तक हमें एक छात्र नेता ही कह सकते हैं। 1932 खतियान को लेकर ये एक बड़ा इशू है, पिछले 20 साल से इस मामले पे डोमिसाइल इस आधार पे हो या क्या हो, इस पे जयराम जी का स्टैंड क्या है, हम लोग जानना चाह रहे थे। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है या जमीन पे उतरने वाला मुद्दा है? देखिए, जब भारत देश का अलग देश बना था भारत, उस समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ था, और तमाम उस समय जो हमारे 14-15 प्रांत थे उनकी जो गठन किया गया था भाषाई आधार पर ही किया गया था। जैसे 1953 में हमारे देश में सबसे पहला राज्य अलग हुआ था तमिलनाडु से कटकर तेलंगाना, और उसका आधार ही था तमिल भाषा के विरोध में जाकर कटकर एक अलग राज्य तेलुगु भाषा के लिए लेना। तो ठीक उसी प्रकार जब सभी राज्यों की आइडेंटिटी उसकी भाषाई आधार पर है, उसकी संस्कृति के आधार पर है, कहीं जमीन के रिकॉर्ड्स के आधार पर उस राज्य की आइडेंटिटी को तय किया जाता है, तो हमारी भी मांग है कि जो झारखंड के मूलवासी हैं, जो जिनका इस भूभाग के अलावा कहीं कुछ नहीं है और जो सदियों से इस भूभाग में बसबसाव करते हैं, उनके लिए कॉलम हो कि झारखंड का झारखंडी होने का क्राइटेरिया क्या होगा। तो चूंकि हम लोग अगर भाषा की बात करें तो हमारे पास लगभग बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं को इंक्लूड करके एक नहीं किया जा सकता है, हमारे पास काफ़ी विविधताएं हैं। तो ऐसे में हम लोग 4-5 कॉलम में झारखंड की आइडेंटिटी को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 1932 का जो खतियान की बात कही जाती है, तो लगभग 4 टाइम हमारे यहाँ जमीन का सर्वे हुआ है, 1908 में, 1932 में, 1954 में और 1964 में। तो इन चारों को एक अलग अलग कॉलम बनाकर जिले का अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आधार मानकर इसको परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोग इस बात का दलील देते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस भूभाग में आकर बस चुके हैं, उनका अपने राज्यों से नाता नहीं रहा। तो हम यही कहना चाहेंगे, जब उस राज्य में बसे हैं तो जाहिर सी बात है उन लोगों को यहाँ की भाषा, संस्कृति, यहाँ की लोक परंपराएं जो भी हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, सीख लेंगे, तो भविष्य में ना कोई वर्ग संघर्ष देखने को मिलेगा, ना किसी प्रकार का विवाद होगा। मैं एक अलग राजनीतिक दल बनाने की बात कह रहे हैं, कई बार हम लोगों ने पढ़ा भी है सर, तो क्या भविष्य देखते हैं राजनीति में अपना? देखिए, हमने अभी ये कहा कि यह संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। धनबाद बोकारो से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और चूंकि आज हमारे बीच प्रेरणा स्रोत के रूप में अनुज कुमार सिन्हा जो उपस्थित हैं, इनकी किताब काफ़ी काम आई हमारे आंदोलन के दरमियान, और हमारे धनबाद और बोकारो में लगभग 150 की पंक्तियां इनकी ऑनलाइन मंगाई गई है। तो कहीं ना कहीं इनकी किताबें बहुत काम आई, और जब हम लोग आंदोलन करने के लिए उतरे थे तो यकीन मानिए मात्र 50 स्टूडेंट थे, और काफ़ी डर डर के, चूँकि कोरोना का गाइडलाइन था और काफ़ी डर को फॉलो करते हुए हम लोग उस आंदोलन में मुख्यमंत्री और जो भी उनके मंत्रीगण हैं उनका मैंने विरोध प्रकट करने के लिए गए थे, और हमें आभास नहीं था कि 50 लड़कों के साथ जिस आंदोलन की हम लोग तैयारी किए हैं वो आज 5 करोड़ के जनमानस तक पहुंचेगा और इस राज्य से बाहर भी जाएगा और लोग हमारी चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में 1.5 साल के आंदोलन में अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आती है तो जो भीड़ आज सामने आई है बगावत करने के लिए, उसे वोट में तब्दील करना होगा, ये हमारी प्राथमिकता होगी। जयराम जी, आपने नया राजनीतिक दल बनाने की बात कही है, तो ऐसे में आप कैसे भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आसू जैसे दल हैं, तो उनसे आप कैसे टकरा पाएंगे, उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये दिल्ली भी नहीं है, हमारे पास शैक्षणिक स्तर उस तरह का नहीं है, हम लोग झारखंड होने के बावजूद भी काफ़ी विविधताओं में बटे हुए हैं, तो ये एक चैलेंजिंग विषय है। ऊपर से वो पॉलिटिकल पार्टियां आज किसी का 20 साल, किसी का 50 साल, किसी के 40 साल का इतिहास है, और हम लोग सभी नौसिखिए हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा। जो भी छात्र आज आंदोलन में हमारे सहयोग कर रहे हैं, हम लोग से कांधे मिलाकर चल रहे हैं, वे भी किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से संबंध नहीं रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह चैलेंजिंग होगा, लेकिन युद्ध के लिए अगर चैलेंज ही ना हो तो फिर युद्ध क्या हो, तो इसलिए हम लोग उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं।
जयराम जी, आपके एक यह भी आरोप है कि आप भाजपा और आसू के बी टीम के रूप में काम करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं देखिए, ये बिल्कुल निराधार है, और चूंकि आपके प्रभात खबर प्रेस से दीपक भैया जो तोपचाची संबंध रखते हैं, इस विषय में आप उनसे बेहतर जानकारी ले सकते हैं। जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, हम जगन्नाथ महतो के काफ़ी खासम खास थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनको आपके इस प्रेस क्लब के माध्यम से यहाँ उपस्थित होकर श्रद्धांजलि देते हुए बात को रखना चाहेंगे। तो ये केवल एक आरोप है। हाँ, चूंकि अब ये प्रश्न उठता है कि जब हम लोग जेएमएम में उस समय एज ए मेंबर हम नहीं थे, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, 5 साल में आपको एक पॉलिटिकल दल पॉलिटिकल लीडर के साथ चलना पड़ता है। यदि मान के चलिए हम किसी विधानसभा क्षेत्र के स्टूडेंट ही क्यों ना है, लेकिन 5 साल में एक बार तो हमें पॉलिटिकल सोचना पड़ता है। तो उसी क्रम में जगन्नाथ महतो जी जो कि माटी से जुड़े थे, इसलिए हमने उनका प्रचार किया था, जो कि सत्य है। तो इसलिए अगर बीजेपी और आजसू का एजेंट कहे जाने की बात कही जा रही है, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा। जयराम जी, 1932 के खतियान का मामला हो या राजनीतिक संगठन चलाने का, जो भी आपका दौर चल रहा है, उसमें बेसिक जरूरत है फंड का। कौन फंडिंग कर रहा है आपको? देखिए, अभी तक अगर बात कही जाए तो जैसे जो हम लोग अभी जनसभाओं के माध्यम से या चर्चा में आए हैं, तो अगर जनसभाओं की बात कही जाए तो जब से ये मानव श्रृंखला का स्टार्ट हुआ है, मानव श्रृंखला में हमें सफलता मिली है। लगभग 4-4.5 लाख लोग उस दिन मानव श्रृंखला में उपस्थित थे। लगभग 40 किलोमीटर लंबी वो मानव श्रृंखला थी। उसके बाद से काफ़ी कॉपरेट मिला है, जैसे कि जो लोग हमें सभाओं में लगता है एक पंडाल, तो जो लोग पंडाल से जुड़े हैं वे लोग निःशुल्क दे देते हैं। सभाओं में हमें लगता है बाजा साउंड वगैरह, वो भी निःशुल्क आ जाता है। उसके बाद कुछ चंदा जो ग्रामीण जहाँ सभा होती है वे लोग एकत्रित करते हैं, और हम लोग को हार्डली जो पेट्रोल का खर्च आता है उसे व्यय करते हैं। इसके अलावा हम लोग का भोजन पानी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये फंडिंग का जो विषय है, फिलहाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। और जहाँ तक पॉलिटिकल की बात है, तो हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे और जनता से अपील भी करेंगे कि हमें वोट भी नहीं, आप नोट भी दें। यानी जो लोग एक वोट देंगे, कम से कम 10 रुपया चंदा भी दीजिए, तो संभव है, पॉसिबल है, हम लोग राजनीति में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। जयराम जी, 1932 आधारित नियोजन नीति झामुमो का कोर एजेंडा रहा है शुरू से। राज्य सरकार इसको विधानसभा से भी पारित की है, केंद्र से 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह भी किया गया है। इस पूरे प्रकरण पे आप क्या कहेंगे? इस पूरे प्रकरण में बिल्कुल आज अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ अगर आंदोलन किया जा रहा है वर्तमान सत्ता में जो बैठी सरकार है, तो उसका कारण यही कि उनका मैनिफेस्टो में रहा है। और चूंकि वर्तमान सरकार को हमने इसीलिए लाया भी था, इससे जो पूर्ववर्ती सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उन्होंने कहीं ना कहीं सीएनटी का मुद्दा हो और 60-40 नियोजन नीति के तहत जो भी बहालियां ली गई थी, खासकर शिक्षकों की बहाली, जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने भी स्पष्ट अपना बयान दिया था कि हम लोग बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं रोक पाएंगे। तो इन्हीं आक्रोश के खिलाफ जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी थी। और जब हमने आपको उस सरकार से नाराज होकर नई सरकार गठन करने में योगदान दिया था, ऐसे में आपका योगदान बनता था कि आप जो भी मैनिफेस्टो के साथ सरकार में आए उन्हें पूरा किया जाए। लेकिन जब वो पूरा नहीं कर पाए तो निश्चय उसके खिलाफ आंदोलन होता है। राज्य आंदोलन इतना तीव्र हो चुका है कि राज्य में तीसरे विकल्प की लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो निश्चय ही इसमें सरकार ने प्रयास किया था, और 9वीं अनुसूची में डालने का भी इसलिए प्रयास किया गया ताकि भविष्य में कोई इसको चुनौती नहीं दे पाए। लेकिन फिलहाल जो भी कहें, झारखंड राज्य में VCI या DCI इस राज्य का भला नहीं चाहते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यही लोग अगर अन्य राज्यों में काम करते हैं, IAS IPS रहे, तो ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही झारखंड में आते हैं, प्रभात खबर प्रेस के माध्यम से जानकारी मिली कि धनबाद में 600 करोड़ का प्रत्येक महीना कोयला का चोरी होता है, तो ऐसे में सवाल चिन्ह जो भी वरीय पदाधिकारी है उन पर भी लगता है कि किस कार्यशैली के साथ कार्य कर रहे हैं। तो ये हमें दुख लगता है। अभी अब मैंने DC की बात की, अब थोड़ा VC की बात सुनिए। हम लोग लगातार कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं कि जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है, यहाँ खोटा भाषी, कुड़माली भाषी, संताली भाषी छात्र छात्राओं की संख्या है, तो इसको सब्जेक्ट में शामिल किया जाए। लेकिन महोदय उड़ीसा से आए हैं, रोड़िया भाषा को शामिल कर दिए हैं। तो कोई भी जो भी यहाँ आता है, चाहे वो DC कैटेगरी का रहे, BC का रहे, सब लोग चाहते हैं कि झारखंड की जो मूल पहचान है उसको छिन्न भिन्न किया जाए, जो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग सम्मान सबका करते हैं, BC का भी करते हैं, DC का भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए वे कुछ नहीं कर पाते हैं। ये दोहरी मानसिकता है। बाकी फिर अन्य राज्यों में काम करते हैं यही कैडर के लोग, यही IAS IPS जब अन्य राज्यों में पदस्थापित होते हैं तो उस राज्य की स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। जयराम जी, 1932 आधारित जो नियोजन नीति, क्या वैधानिक और संवैधानिक रूप से जायज ठहराया जा सकता है? राज्य के पहले जो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे, इसे लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। देखिए, मेरा मानना है भारत एक संवैधानिक देश है, और संविधान बनने से पूर्व जब इस पर चर्चाएं हो रही थी, तो 1946 के आसपास जब भाषाई राज्य के आधार पर गठन करने की मांग उठ रही थी, आवाज़ बुलंद हो रहा था, तब देश के उस समय लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया था,
कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, लेकिन दो साल बाद उस महान शख्स ने स्थिति और परिस्थिति को भांपते हुए, नजाकत को समझते हुए अपने स्टेटमेंट में बदलाव किया और 1948 में उन्होंने फिर दोहराया कि लोकतंत्र में अगर लोगों की मांग अगर नेगेटिव भी है, अगर लेकिन बहुत बड़ा समूह अगर मांग रहा है तो लोकतंत्र में लोगों की मांग को मान लेनी चाहिए। तो उसी क्रम में अगर 1932 यहाँ की जनमानस की भावना है तो उस पर समीक्षा हो, एक आयोग का गठन हो, बारीकी से बारीकी बिंदुओं पर चर्चा हो और खुले मंचों पर बहस हो और कुल मिलाकर एक ऐसी नियोजन नीति से पूर्व एक स्थानीय नीति का तय होना बहुत जरूरी है जो ये कम से कम क्लेरिफाई कर सके कि झारखंड के है कौन, झारखंडवासी है कौन। जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्रवासी कौन है ये तय है, गुजरात में गुजरातवासी कौन है ये तय है, तो फिर झारखंड में भी झारखंडवासी कौन है एक कॉलम तो बनना चाहिए। अभी तमाम बहालियाँ देखिए, हाल ही फिलहाल दो इश्तहार सोशल मीडिया में काफ़ी राउंडिंग कर रहा है, बिहार का जो शिक्षा विभाग का है उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, लेकिन झारखंड का जो भी वैकेंसी उसमें साफ साफ एक ही लाइन लिखा है कि भारत देश का नागरिक हो। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है झारखंडवासियों के लिए। तो इसलिए हम एक ही चाहते हैं कि जो अन्य राज्य के कॉलम में जो लिखा होता है कि भारत का नागरिक उड़ीसा का स्थायी निवासी हो, भारत का नागरिक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी हो, ठीक उसी प्रकार झारखंड में एक कॉलम हो कि भारत का नागरिक झारखंड का स्थायी निवासी हो। तो झारखंड का स्थायी निवासी कौन हो, बस उसी प्रक्रिया में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कौन है से आप पहचान कीजिए। नमस्कार जोहार, मैं लता, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी राजनीतिक जमीन कहां से तलाश रहे हैं, यानी कि आप चुनाव कहां से। देखिए मैम, अभी तक तो तय नहीं कर पाए हैं क्योंकि मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं और चूंकि प्रतिभा होने के कारण बचपन से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी रही है और स्वभाव रहा है विद्रोही टाइप का, तो इसीलिए हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे हैं, अपने प्रतिभा अपने शिक्षा के दम पर यहाँ तक पहुँचे हम लोग बेशक। लेकिन अभी भी अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कही जाए तो थोड़ा सा हम लोग उस पर माने डरा सहमा हो जाते हैं। जब देखते हैं परिस्थितियों को, काफ़ी धनबल का प्रयोग होता है, माने उसका अनुमान नहीं कर पाएंगे कि इतना धनबल का आज के राजनीतिक परिवेश में प्रयोग होता है, तो थोड़ा सा हम लोग डरे सहमे हो जाते हैं क्या हम लोग इस राजनीति में टिक पाएंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आज जो जनता आंदोलन करने के लिए सड़कों पर हमारे साथ आई है, जो लोग आज सर पर लाठियाँ तोड़ने पर भी विवश हैं, जो लोग हमारे चलते आज सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, एफ आई आर तक झेल रहे हैं, तो वे लोग कहीं ना कहीं जो आज भीड़ तंत्र बनकर आई है, वोट तंत्र होकर हमारा सहयोग करेगी और जब राजनीति की बात आएगी तो हम लोग जहाँ से हम लोग का उदय हुआ है दामोदर नदी का किनारा, तो वहीं से राजनीतिक उदय भी होगा। इस पर जनता की राय शुमारी होगी, हम अपने व्यक्तिगत राय लेकर किसी को थोपने नहीं जाएंगे कि हम लीडर बनने आए हैं, अगर जनता स्वीकार करेगी। हाल ही फिलहाल डुमरी के कुछ साथी आए थे, बोला कि उपचुनाव है, सीट खाली है और आप भी टाइगर नाम से जाने जाते हैं, शिक्षा मंत्री भी टाइगर नाम से जाने जाते थे, तो आप क्यों नहीं आते हैं। हम बोले हम एक शर्त पे आएंगे, टाइगर जगन्नाथ महतो कितने वोटों से जीते थे, उन्होंने कहा 71,000 वोटों से जीते थे। हम बोले उसका 10% लोग मेरे घर के सामने अगर खड़े होकर कहेंगे कि आप आइए डुमरी, हम आएंगे। चूँकि हम चाहते हैं कि हम थोपा हुआ लीडर ना बने, कि हम आज से आपका लीडर है, हम नॉमिनेशन करके आए हैं, हमारा ये चुनाव चिन्ह, हम तोपा वाला लीडर नहीं बनना चाहते हैं, हम एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। जनता हमें खुद अगर हमारी सोच अच्छी है, लगता है कि हम अपने निष्ठा में टिके रहेंगे, हम लोग अडिग रहेंगे, झुकेंगे नहीं, तो जनता हमें खुद तलाश करे, एक जगह दे, एक प्लेटफॉर्म दे और हमारे लिए खुद फंडिंग करें, हम लोग लीडर भी बनेंगे और उनके लिए शहीद सुनील महतो के तर्ज पर शहादत को भी स्वीकार करेंगे, MP रहते हुए, MLA रहते हुए। जी, आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ आंसू बहुत सक्रिय है और आपके जो मुद्दे हैं, जो झारखंड से जुड़े हुए इशूज हैं, उस पे आंसू पार्टी भी बहुत मुखर है, तो वैसे में आपकी पार्टी को कैसे जगह मिल पाएगी उस इलाके में। देखिए, सबसे पहली बात निश्चय ही हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है, आंसू के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी प्रभाव है। हालांकि अब जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है दोनों का प्रभाव कम हुआ है और विशेषकर जो युवा मंडली है वो एकदम कह सकते हैं 95% युवा इस आंदोलन से जुड़े हैं, 5% वैसे ही युवा अभी भी राजनीतिक दलों के साथ संबंध है जिनका उनके बदौलत घर चलता है, जैसे कुछ मैंने नली गली सड़क इत्यादि का टेंडर मिल जाता है, तो ऐसे ही 5% युवा आज उन दलों के साथ जुड़े हैं, बाकी 95% युवा इस राज्य में बदलाव लाने के लिए हमारी जो विचारधारा है या फिर जो हमारा संगठन है, समिति है, उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में चैलेंजिंग होगा उनके साथ सामने आना, उनका फेस करना, लेकिन कुल मिलाकर हम लोग कोलांचल में खासकर बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, आंदोलन हो चाहे पॉलिटिकल बातें हो, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी देखें बहुत सारे जो यूथ हैं 21-22 साल की उम्र में मुखिया सरपंच बनकर आए हैं, जिला परिषद बनकर आए हैं, तो विधायक बनकर भी आएंगे, इसमें नो डाउट होना चाहिए। सरकार ने हाल ही में नियुक्तियों का दरवाजा खोला है, बड़े पैमाने पर नियुक्तियां भी चल रही हैं, ऐसे में 60-40 जो है वो कैंपेन भी चल रहा है, तो इस नीति से आपको क्या परेशानी है? देखिए दादा, सबसे पहली बात है कि परेशानी इसका सबसे बड़ा विषय है
15 नवंबर 2022 को एक बहाली आई जिसमें सहायक अभियंता की बहाली ली गई। उसमें जो 60-40 यानी जो 40 था उसमें 93% जो अभ्यर्थी आए यहाँ इंजीनियर बन के, मैक्सिमम क्या 93% अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं। उसके बाद आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहाली ली गई, उसमें भी जो अपेंड टू ऑल का कैटेगरी है लगभग 90% अभ्यर्थी अन्य राज्यों से आए हैं। और हाल ही फिलहाल शिक्षकों की बहाली ली गई और तमाम चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा इसमें भी लगभग 1200 से 1400 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस राज्य से नहीं है। तो ये तो नुकसान सबके सामने जाहिर है कि राज्य हमारा और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिल रही है। ओपन टू ऑल का मतलब है उसमें झारखंड की नो चांस है, इसलिए चांस नहीं है। मैं बताना चाहूँगा अभी जो शिक्षक की बहाली हमारी होगी और उसका जो कोर्स है उसकी तैयारी दिल्ली में हो रही है, उसकी तैयारी लखनऊ, इलाहाबाद और पटना चार कोचिंग सेंटर में उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और जो लोग हमारे यहाँ जो बीएड करके बैठे हैं जो उस फॉर्म को भरेंगे वे लोग अपना घर गृहस्थी देख रहे हैं। हमारी बहनें अपने ससुराल में अपने घर गृहस्थी देख रही है, हमारे भाई कहीं मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में जो तैयारी कर रहे हैं, जो पटना, इलाहाबाद, लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं, उनसे हमारे छात्र मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें आपत्ति है। जनाब, राज्य सरकार का कहना है कि आप जैसे लोग नियुक्ति में बाधक हैं, क्या करेंगे? देखिए, राज्य सरकार की गलतफहमी है। हम लोग खुद पीएचडी के छात्र हैं और अगर हमारा अपना भविष्य सुरक्षित दिखता तो जाहिर सी बात है एक पीएचडी का छात्र होने के नाते हम तो सड़क पे नहीं आते। हमें स्टार्टिंग में हमें भी डर लग रहा था कि हम पीएचडी के छात्र हैं, जिन विश्वविद्यालय से मेरी डिग्री प्राप्त होगी वहाँ भी कहीं आंदोलन में आने के बाद हमारी डिग्री पर समस्या ना हो। इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी हमारे जहन में, हम भी डरे समय थे। और एक सप्ताह बाद जब आंदोलन बोकारो में स्टार्ट हुआ, हम लोग एक सप्ताह बाद धनबाद में इसकी एंट्री हुई थी। लेकिन राज्य सरकार अगर इस प्रकार की मंशा रखती है तो उनसे हम स्पष्ट पूछना चाहेंगे कि आप स्वयं बताएं कि आप जो कहते हैं बार बार कंटिन्यू कहते हैं कि विश्वास रखिए आपका भाई है, आपका बेटा है, तो फिर 1200 से 1500 शिक्षक अन्य राज्यों को कैसे आते हैं? आप उनको रोकने के लिए कौन सा बैरियर लगा रहे हैं? और नहीं तो फिर ये राज्य बनने का, ये गठन होने का कोई चांस ही नहीं है। उदाहरण के लिए हम एक बहुत पुरानी फोटोकॉपी लेकर आए हैं, हम उसे शेयर करना चाहेंगे। ये हम जब हम बिहार में थे, झारखंड जब बिहार में था उस समय का ये मामला है। इसमें एक मयूरभंज के नाम है उनका गुरुचरण कलुंडिया, ये पटना दिनांक 4/11/1999 का मामला है। ज्ञापन संख्या 166/ इसका फुल फॉर्म कुछ हो सकता है, संभावना है। इसमें उनका जो मूल पता है जिला मयूरभंज उड़ीसा। ये गुरुचरण कलुंडिया जी जो बोकारो बीएसएल है वहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो जैसे उड़ीसा के थे लेकिन 40 साल उनके पिताजी ने वहाँ कार्य किया। ये वहीं बोकारो में जन्मे, उनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई बोकारो में हुई और उन्होंने शिक्षा पात्रता के लिए अपना फॉर्म भरा एज ए टीचर के रूप में और उस परीक्षा को पास भी करते हैं। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा उनको लेटर जारी होता है, विषय प्राथमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 43/96 जिला चाईबासा के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि प्राथमिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 1996 के आधार पर आपका परीक्षा फल प्रकाशित किया गया था, परंतु जांच के क्रम में पाया गया कि आप बिहार राज्य के बाहर के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार केवल बिहार के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दे है, अतः बिहार राज्य के बाहर के मूल निवासी होने के कारण आपको अयोग्य घोषित किया करते हुए आपके परीक्षा फल को रद्द कर दिया गया है। ये सरकारी डॉक्यूमेंट से पूरे लिखित प्रमाण के साथ हम लोग डॉक्यूमेंट्स को निकाल के रखे। जब हम बिहार में थे ठीक था, जब हम बिहार में थे तब उड़ीसा के लोगों को जब यहाँ अगर परीक्षा भी पास करते थे उनको लेटर जारी होता था कि भाई आप हमारे राज्य के नहीं हैं। तो जब हम झारखंड बन गए उसी बिहार से टुकड़ा होकर, तो ये नियम वाली क्यों नहीं बन रही है? तो हम तो कहीं गलत, लड़ाई हमारी नहीं है, हम लोग डॉक्यूमेंट्री लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। जयराम जी, लोहिन हेमब्रम सहित कई लोग 1932 के पैरोकार हैं, उन्हें आप कैसे जोड़े? हाँ, उनसे कंटिन्यू बात हो रही है और लगातार उनसे बातचीत हो रही है। जो 1932 और झारखंडियत मुद्दों पर सरकार में बैठकर या फिर विपक्ष में बैठकर, विपक्ष विधायक दल में रहकर भी अगर उनमें भावना हमारे साथ जुड़ी है तो उनसे कंटिन्यू बात हो रही है और हम लोग उनको खुले मंच पर आमंत्रित भी करते हैं, उनसे लगातार टेलीफोनिक बातचीत कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि जब अगर हम लोग विकल्प की ओर बढ़ें तो सबका साथ लेकर बढ़ें, उनका आशीर्वाद, उनका सुझाव, उनका अनुभव को लेकर बढ़ें, उनसे बातचीत होती है। हाँ जी, अभी तक तो जितनी भी चर्चाएं हुई है उनमें जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जो पूर्व में आंदोलनकारी रह चुके हैं, वे लोग साथ आने के लिए तैयार हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ बंदिशें हैं, पार्टियों का दबाव है जिस कारण थोड़ा सा वे मैंने डायरेक्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन भविष्य में मुझे लगता है 24 में कुछ परिदृश्य मैंने जो है परिदृश्य बदला हुआ दिखेगा। जयराम जी,
पूर्व विधायक हैं गीताश्री उराव, अमित महतो, ये सब 32 के खतियान के नाम पे जो अभियान चल रहा है उसमें वो लोग जारी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनको एक मंच पर आप लाएंगे या लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका अनुभव, इनका मैंने मार्गदर्शन, इनका आशीर्वाद हमें मिले, लेकिन एक बात निश्चय है, अगर मान के चलिए हमारे संपर्क में लगभग तमाम बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे हैं जो पूर्व में सांसद, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वे उनसे लगातार संपर्क होती है, यदि मान के चलिए सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मानते हैं, सम्मान सबका करते हैं, आदर सबका करते हैं, लेकिन ये नव आंदोलन है, नई चिंगारी है, नए पौधे हैं, नए नौजवान हैं, क्या हमारे साथ उनका कम्युनिकेशन होगा किस प्रकार का? यदि फिर उनको ले आते हैं और अगर किसी दिन ऐसी परिस्थिति बनती है जिस पर बाबूलाल मरांडे के साथ हुई थी, 12-13 विधायक बनकर बनाकर लाएं, आज उनका लगभग शून्य हो चुका है, तो सबसे बड़ा बात है कि ये नई पीढ़ी है, दोष हम पर आएगा, दोष गीताश्री दीदी पे नहीं जाएगा, ना अमित दादा पे जाएगा, ना लोबिन दादा पे जाएगा, ना भेसरा जी पे जाएगा, दोष किस पर जाएगा? जो अभी नए लड़के हैं, हम पे दोष आएगा, कालिख हम पे लगेगा, दाग हम पे लगेगा, तो इसलिए हम लोग पहले आत्ममंथन कर लेंगे, क्योंकि हम कल का सूरज हम हैं, इस बात को तो राज भी जानती है और सभी जानते हैं, तो इसलिए हम लोग के बीच एक आत्ममंथन चल रहा है कि हम किनके साथ किस प्रकार से हैंडल करें, ये चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो हम लोग निश्चय ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और इसी प्रभात खबर के ऑफिस में बैठ कार्यालय में बैठकर हम लोग सारी चीज़ों का रहस्यों का उद्घाटन कर देंगे। झारखंड में चमरा लिंडा जैसे नेताओं ने संगठन बनाकर लोगों को गोलबंद करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में राजनीतिक पार्टियों में ही उनको कवर तलाशना पड़ा है, आज झामुमो में है, आप अपने नज़दीक किस राजनीतिक दल को पाते हैं जहाँ भविष्य में आप जा सकते हैं? देखिए अगर हम लोग किसी राजनीतिक दल में चल जाते हैं तो फिर ये बिहार के कन्हैया कुमार और गुजरात के हार्दिक पटेल की कहानी हो जाएगी और हम लोग चाहेंगे अकेला चलेंगे, अगर राजनीतिक सफलता नहीं मिलेगी तो हम लोग एक दार्शनिक, एक चिंतक बनकर रहेंगे, लेकिन जनता का जो विश्वास है उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। आज राज्य को ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी दल का त्याग करते हुए किसी दल में चले जाएँ, तो निश्चय रहिए आप आज हम लोग यहाँ बैठ कर पूरी निष्ठापूर्वक कहते हैं कि हम लोग भविष्य में अगर हम लोग कोई राजनीतिक दल के रूप में आते हैं, हमारी सीटें कम अधिक रहती है, तो हम लोग गठबंधन की सोच सकते हैं लेकिन विलय की नहीं सोचेंगे। उर्मी एसपी बनने के लिए आज झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तीनों स्टेट में आंदोलन चल रहा है, जयराम महतो उर्मी के इस आंदोलन पर क्या अपना विचार है? देखिए सबसे पहली बात, हम लोग 1932 के आंदोलन को लेकर आए हैं, हम लोग राज्य के लिए लेकर आए हैं, जब हम घर से बाहर मैंने स्टैंड हुआ तो अपने आप को हमने झारखंड राज्य के लिए पाया है, तो सबसे पहले राज्य हमारी प्राथमिकता है, बाकी जहाँ तक कुर्मी आंदोलन का विषय है वो हमारे जन्म से पूर्व से चल रहा है, आप लोग सर्वविदित है, ये तो किसी से छुपा नहीं है, 1972 से ही रह रहकर आंदोलन चला है, तो हम लोग फिलहाल झारखंड राज्य, संपूर्ण झारखंड के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हमारा फोकस संपूर्ण झारखंड के लिए होगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।